उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में टीम संघर्ष के युवाओं ने प्रदेश में हो रहे निर्देश युवाओं की हत्या एवं लचर कानून व्यवस्था को लेकर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे मिराज अहमद ने कहा कि निरंतर किसी न किसी जिले में रोजाना हत्याएं हो रही हैं। झांसी में एक युवा पुष्पेंद्र यादव की पुलिस द्वारा संदिग्ध रूप से एनकाउंटर का रूप देकर उसकी हत्या कर दी गई और उसके शव का अंतिम संस्कार स्वयं पुलिस द्वारा परिवारजनों से ना कराकर पुलिस द्वारा गुपचुप तरीके से करा दिया गया, जो कि साफ साफ प्रदेश के पुलिसकर्मियों की मनमानी को प्रदर्शित करता है। प्रदेश में आए दिन लगातार हत्या हो रही है, जो कि सरकार के सुशासन व रामराज की झूठी कहानियों की पोल खोल रही है। प्रधान दीपू यादव ने कहा कि अपराधियों द्वारा बदायूं में ब्रिजपाल मौर्य की हत्या, मऊ में शिक्षिका रेखा राय की हत्या, कानपुर में स्वैब खान की हत्या, बस्ती में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कबीर तिवारी की हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, जहां सरकार सुशासन की बात करती है वहीं पुलिस बेलगाम होकर लोगों का उत्पीड़न कर रही है। इस खबर में बस इतना ही। तिवारी, और मैं आप मीडिया के माध्यम से आज हम लोगों ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन प्रेषित किया है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री को दिया गया है। हम लोगों ने प्रदेश में और जनपद में हो रही लगातार हत्याओं के विरोध में ज्ञापन दिया है, जिसमें कि अभी जल्द ही वजीरगंज में एक महिला की हत्या कर दी गई, साथ ही साथ तरबगंज में अपने पड़ोस के जनपद जिला बलरामपुर वहां पर भी हत्या की गई, जिसमें कि ये साफ तरीके से दिख रहा है जिस प्रकार से प्रशासन और सरकार लगातार एक सुशासन व्यवस्था को कह रही है कि प्रदेश में सुशासन है एवं उत्तम प्रदेश जिस प्रदेश को बताया जा रहा है, वो आज के समय में एक हत्या प्रदेश हो गया है। आए दिन हर जनपद, हर ब्लॉक, हर जगह पर लगातार हत्याएं हो रही हैं, जो कि भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। आने वाले दिनों में यह हत्याएं हमारे घर भी हो सकती हैं और प्रशासन के परिवार के भी घर में हो सकती हैं, इसलिए जल्द से जल्द कानून व्यवस्था। सरकार विफल है, भाजपा सरकार में मानता हूँ, अगर देखा जाए तो पिछले जिस तरीके से प्रदेश में एक कानून व्यवस्था को इतना सुदृढ़ बनाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि हाँ कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन वो एक रिकॉर्ड अलग है, रिकॉर्ड अलग है और सत्यता अलग है। सत्यता को छिपाने के लिए रिकॉर्ड को ज़्यादा वायरल किया जाए।